और जितना ज्यादा एनर्जी पास होगी हम ये क्या कहेंगे उसकी उतना ज्यादा इंटेंसिटी है, और जितनी आज हमारा आर्टिकल है जी साउंड इंटेंसिटी, आवाज की इंटेंसिटी हमारा टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी। अच्छा जहां लफ्ज आ जाता है ना इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत, किस चीज की शिद्दत, उस पर्टिकुलर चीज की एनर्जी की शिद्दत, इसको मैं लिख देता हूं एनर्जी की इंटेंसिटी यानी एनर्जी की शिद्दत, इससे क्या मुराद है इसको हम पहले समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक बना लेते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया, सपोज ये हमारे पास एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया में से जिसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, ठीक है। अब इस यूनिट एरिया में से लाइट भी पास हो सकती है, लाइट वेव भी पास हो सकती हैं, साउंड वेव भी पास हो सकती हैं, वाटर भी पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो सकती है, बट जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि फ़र्ज कर लें कि यहाँ कोई साउंड सोर्स है, मिसाल के तौर पर यहाँ कोई आदमी है जो ठहरा यहाँ से बोल रहे, तो उसके बोलने के दौरान साउंड वेव यहाँ से जा रही है, ठीक हो गया। साउंड वेव इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में से पास हो रही है और क्या लेके जा रही है, एनर्जी, एनर्जी कैरीड बाय द साउंड वेव पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया। और ये यूनिट एरिया कैसे पड़ा हुआ है, ये उस साउंड वेव के परपेंडिकुलर, साउंड वेव यूं जा रही है और यूनिट एरिया इस तरह पड़ा हुआ है, पड़ी हुई भी किस तरह से हैं, परपेंडिकुलर पड़ी हुई हैं, और इसमें से गुजरने के लिए इसको कुछ ना कुछ टाइम भी लगा है। तो साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज साउंड इंटेंसिटी। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो साउंड इंटेंसिटी क्या होगा, साउंड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास आ गया जी इंटेंसिटी का फार्मूला। अब अगर आप यहां गौर करें, अगर लाइट वेव पास हो रही है तब भी एनर्जी जाएगी, अगर साउंड वेव पास हो रही है तब भी एनर्जी जाएगी, यानी जो मर्जी यहां से वेव पास कराएं उसने एनर्जी कैरी करके जाना है। तो पता लगा कि इंटेंसिटी का फार्मूला हर एक वेव के लिए कॉमन होगा, चाहे वो साउंड इंटेंसिटी के लिए है, चाहे वो लाइट इंटेंसिटी के लिए है, किसी भी इंटेंसिटी की बात कर ली जाए। तो अब इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलरली प्लेस्ड यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज साउंड इंटेंसिटी। इसका अब यूनिट देखें, एक यूनिट बना सकते हैं हम एनर्जी पर यूनिट टाइम के थ्रू, कैसे, आपने छठे चैप्टर में पढ़ा हुआ है नाइन्थ में, एनर्जी पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है, वाट के अपॉन एरिया आ गया जी, ठीक हो गया। और एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर, तो यहां से मीटर स्क्वायर, तो यहां से एक यूनिट तो बन गया वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का एक फार्मूला ये बन गया। अच्छा दूसरा फार्मूला उसी ऊपर वाले फार्मूले से कैसे बना सकते हैं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जोल, यहाँ पे ये जोल आ गया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो यूनिट क्या मिला जोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दो यूनिट हो गए। तीसरा यूनिट आप इसी को ही बेस क्वांटिटीज में ड्राइव करके निकाल सकते हैं, कैसे, अब जोल किसके बराबर होता है बताएं जी, नाइन्थ में छठे चैप्टर में पढ़ा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू पावर माइनस टू, ये जोल आ गया। उसके बाद मीटर रेज टू पावर माइनस टू वैसे रहने दें, सेकंड इनवर्स भी वैसे रहने दें, ये मीटर स्क्वायर और मीटर पर स्क्वायर कैंसिल, तो भाई क्या बचा किलोग्राम सेकंड रेज टू पावर माइनस थ्री, तो एक यूनिट बन गया किलोग्राम
पर सेकंड क्यूब, दूसरा यूनिट बन गया वाट पर मीटर स्क्वायर, और तीसरा यूनिट बन गया जोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तब अगर एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी, या सिंपली कहें इंटेंसिटी, तो क्या होगा? तीन ऑप्शन दिए गए होंगे, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा होगा ऑल ऑफ दीज। तो किस पर टिक करना होगा? ऑल ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई एक दे दे, नॉर्मली आपको वाट पर मीटर स्क्वायर ही देगा, तो इसको टिक करना होगा। अगर ये इनमें थोड़ा सा टफ लेवल पे ले दे एमसीक्यू, तो ये तीनों ही बन सकते हैं, ठीक हो गया। या ये भी पॉसिबल है कि वो चारों ऑप्शन में से एक ये किलोग्राम पर सेकंड क्यूब दे दे, और वो वाले दो ऑप्शन ना दे, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो कुछ और दे, तो किसको टिक करना होगा? किलोग्राम पर सेकंड क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, साउंड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन नाइन्थ में पढ़ी थी, क्या थी? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब इसको हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया कि आवाज कितनी पास हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, इसकी डिपेंडेंसी की बात। ये इंटेंसिटी किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है? पहले नंबर पे साउंड की जो इंटेंसिटी है ना वो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव पर डिपेंड करेगी। किस पर? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। कैसे पता लगा मुझे बताएं जी? अगर आप टॉपिक पढ़े चैप्टर नंबर 10 में वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, याद है वहां मैंने डिपेंडेंसी बताई थी, दो चीजों पे डिपेंडेंसी। पहली क्या थी? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब यहां से एक बंदा बोल रहे आराम से, वो बंदा जो आराम से बोलेगा ना उसकी साउंड जो गुजरेगी उस साउंड का एम्पलीट्यूड होगा कम, ये कम एम्पलीट्यूड वाली वेव इसमें से पास हो रही है। इसके बरक्स एक बंदा है बड़ी तेजी के साथ बोलता है, यानी उसकी जो आवाज का एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली वॉइस इसमें से पास हो रही है। इसका मतलब वो वेव जो ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली होगी वो अपने साथ ज्यादा एनर्जी कैरी करके जाएगी, और हम ये कहेंगे उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है, और जो कम एम्पलीट्यूड वाली होगी उसकी इंटेंसिटी कम। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि साउंड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है। अगर वेव का एम्पलीट्यूड होगा ज्यादा तो साउंड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड होगा कम तो वो एनर्जी कम कर कैरी करके जाएगी और उसका की इंटेंसिटी भी कम होगी। तो ये हो गई इसकी डिपेंडेंसी, बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अब हम ये देख रहे हैं साउंड इंटेंसिटी भी क्लियर होगी। साउंड इंटेंसिटी के बाद अब हम देख रहे हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल, पहले ये टॉपिक समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमने ये टॉपिक पढ़ना क्यों है, ये किस सिनेरियो में जाके हम इस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। एक्चुअली हमने ये करना है, हमें डेली लाइफ में पता है कि हम या एक कम से कम वैल्यू होती है जो सुन सकते हैं साउंड की, और एक ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है जो सुने तो हमारे कान में पेन होना स्टार्ट हो जाए। हम एक्चुअली वो मिनिमम वॉइस, वो मिनिमम साउंड जो हम सुन सकते हैं, और वो मैक्सिमम जो सुने और हमारे पेन कान में पेन होना स्टार्ट हो जाए, इन दोनों की दरमियानी लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? उस मिनिमम और मैक्सिमम की दरमियानी जो लिमिट है, रेंज है, उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि फर्ज कर लें कि ये एक मिनिमम जो हमारी लिमिट है ना, मिनिमम इंटेंसिटी वाली, उसको आई मिनिमम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक मैक्सिमम लिमिट है ह्यूमन एयर के लिए, उसको मैं आई मैक्सिमम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब अब जब प्रैक्टिकली हम ये ऑब्जर्व करते हैं तो ह्यूमन एयर मिनिमम 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर जितनी इंटेंसिटी वाली साउंड सुन सकता है, मिनिमम। इसको हम कहते हैं बैरली ऑडिबल साउंड। क्या मतलब होगा इसका? कम से कम कितना आवाज सुन सकते हैं, कम से कम सुनाई देने वाली आवाज की इंटेंसिटी, ठीक है, और वो कितनी है? 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसी को ही हम कहते हैं जीरो बेल।
क्या कहते हैं इसको? तो अब अगर जीरो बैरल की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप क्या कहेंगे कि द बैरल ऑडिबल साउंड विच इज ऑडिबल टू ह्यूमन एयर, वो कम से कम आवाज जो कि ह्यूमन एयर सुन सकता है वो क्या कहलाएगी? जीरो बैरल, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वेयर। इससे अगर कम सुनेंगे तो हम नहीं सुन सकते। ठीक हो गया, अब हम चल रहे हैं। और ये जो मिनिमम है आपकी बुक में, मिनिमम को उन्होंने आई नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? एल आई नॉट से। सिमिलरली इस मिनिमम पर हमने इसका जो लेवल फाइंड आउट करना है तो उसके लेवल को आपकी बुक वालों ने एल नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। किससे? एल नॉट से। तो आप इसको आई मिनिमम भी समझ सकते हैं, आई नॉट भी समझ सकते हैं और एल नॉट भी समझ सकते हैं। सिमिलरली अब मैक्सिमम पे आ रहे हैं जी। अब मैक्सिमम रेंज कोई बता सकता है कितनी होगी ह्यूमन एयर के लिए? हमारे पास कितनी है ह्यूमन एयर के लिए? हमारे पास 10^0 वाट पर मीटर स्क्वेयर, या 10^0 को हम 1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1। ये तो वैल्यू ह्यूमन एयर के लिए, बट हम एक जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं। जनरल कैलकुलेशन का मतलब क्या है? हम सिर्फ ह्यूमन के मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का लेवल नहीं मालूम कर रहे बल्कि जनरल ओवरऑल ह्यूमन के लिए, बाकी तमाम जानवरों के लिए और तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए जो साउंड सुन सकते हैं या साउंड पैदा कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? बजाय हमें ये वाली डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के, हमें यहाँ पर एक जनरल वेरिएबल की शेप में वैल्यू पुट करनी है। आई मैक्सिमम लिखना है, या आपकी बुक वाले ने किससे जाहिर किया हुआ है? आई से इंटेंसिटी को और एल से साउंड इंटेंसिटी लेवल को। समझ आ गई? तो अब इंटेंसिटी और लेवल में डिफरेंस समझ आ गया। इंटेंसिटी का मतलब पर्टिकुलर यूनिट एरिया में से जितनी साउंड एनर्जी पास होगी वो इंटेंसिटी, और उस जगह पर साउंड का जो लेवल है कि कितना उसका, कितनी आवाज़ की लाउडनेस है, उसका हम लेवल या डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम का। अब मुझे ज़रा बताएं टेक्निकली क्या होता है। टेक्निकली होता ये है कि हमेशा जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है, ऐसे है ना? और डिफरेंस हमेशा किसका होता है? ज्यादा में से कम को माइनस किया जाता है, ये होती है डिफरेंस की पहचान। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो मुझे बताएं यहाँ डिफरेंस में ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? ये होगी, ये होगी। इधर वाली मैक्सिमम वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हमें अगर साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर एल माइनस एल नॉट लेना पड़ेगा। हमारा अब ये यही असल टारगेट है इस पूरे टॉपिक के अंदर। बात क्लियर हुई? तो करना क्या था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना था, साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना था कि दरमियानी लेवल कितना है मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान। तो पहले हमने क्या काम किया, ये देखा कि मिनिमम होती कितनी है, फिर हमने वहाँ डिफाइन किया कि इस जगह पर जो मिनिमम है वो ज़ीरो बैरल भी कहते हैं इसको, और उसके बाद फिर हमने मैक्सिमम चेक किया। ये चेक करने के बाद अब हम इक्वेशंस बना के इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन को बनाने के लिए एक लॉ होता है, वो लॉ समझ रहे हैं, उस वो लॉ है हमारे पास वेबर फेचनर लॉ। वेबर फेचनर लॉ, अकॉर्डिंग टू वेबर फेचनर लॉ लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। क्या जी? लाउडनेस ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर आपको कल वाला प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें, उसमें मैंने इंटेंसिटी की वो बताए थे, लाउडनेस की डिपेंडेंस बताई थी, पांच चीज़ों पे डिपेंड करती है। लास्ट वाली बताई थी कि लाउडनेस इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। तो ये हम देख रहे हैं इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव गुजरेगी उतना ज़्यादा एनर्जी कैरी करके जाएगी, उतना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा उसकी लाउडनेस होगी। ठीक है, यानी अगर इसका पूरा एक रिलेशन बनाए तो पूरा रिलेशन क्या बनेगा? पूरा रिलेशन ये होगा कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव जाएगी उतना क्या होगा, एनर्जी उसमें से पास होगी, और जितना ज़्यादा एनर्जी पास होगी हम ये क्या कहेंगे, उसकी उतना ज़्यादा
इंटेंसिटी है, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो हम क्या कहेंगे कि उतना उसका साउंड इंटेंसिटी का लेवल होगा, ये उतना ज्यादा होगा। तो ये सारे एक दूसरे क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। अगर कम एम्पलीट्यूड वाली वेव पास होगी, एनर्जी कम कैरी करके जाएगी, इंटेंसिटी कम होगी और उसका लेवल भी कम होगा। ये बात हमने समझ ली, हम फिलहाल सिर्फ इन दोनों का रिलेशन समझ रहे हैं। अब यहाँ नोट करें, चूंकि ये जो लेवल साउंड इंटेंसिटी लेवल की रेंज है ना, ये 10 के डिजिट में है, ऐसे है ना, 10 की पावर यहाँ 0 है और यहाँ -12 है, इसका मतलब ये रेंज बहुत बड़ी है। और बहुत बड़ी रेंज को अगर हम यहाँ एक पर्टिकुलर उसमें रिलेशन में सम अप करना चाहें तो हमें उसकी एक एक वैल्यू लिखना पड़ेगी। या एक और दूसरा तरीका क्या है, इसमें एक दूसरा तरीका ये है कि यहाँ हम कोई इसका शॉर्टकट लगा देते हैं। शॉर्टकट क्या है, यहाँ एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, क्या है, 10। तो अब बजाय हम यहाँ सारे 10 लिखें, हम क्या करें, एक मैथमेटिक का टूल होता है जिसको हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, 10 बेस में लिखते हैं, वो क्या होता है, लॉग होते हैं। तो हम बजाय यहाँ पर 10 लिखने के इस जगह पे क्या ऐड कर दें, लॉग ऐड कर दें। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से वेबर फैशन लॉ के अकॉर्डिंग लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी। अब ये हमने जब फार्मूला पढ़ लिया, इस फार्मूले को अब हम लगा रहे हैं एट मिनिमम लेवल, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एंड फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ से जब हम दो इक्वेशंस बना लेंगे, इन दो इक्वेशंस के बनाने के बाद फिर हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर साउंड इंटेंसिटी लेवल फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, उसके बाद हम निकालेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना चाह रहे हैं। अब फॉर मिनिमम देखें, मिनिमम के लिए क्या कहेंगे हम, मिनिमम के लिए हम कहेंगे कि एल लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी। मिनिमम के लिए तो यहाँ भी एल नॉट आ जाएगा और यहाँ भी आई नॉट आ जाएगा। सिमिलरली मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी। अब हमने मैक्सिमम के लिए इंटेंसिटी को आई से और एल को, ये लाउडनेस को एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है, आप पढ़ चुके हैं प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के लिए कितनी चीज़ें आती हैं, इक्वल और कांस्टेंट। तो इक्वल और कांस्टेंट आ गया, उसके बाद बाकी वैसे ही आ जाएगा लॉग आई नॉट। सिमिलरली एल नॉट विच इज इक्वल टू, यहाँ ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से मुराद के होता है, के लॉग आई नॉट है जी, ठीक हो गया। और इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। सिमिलरली मैक्सिमम की लाउडनेस देखें, एल प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके क्या आएगा, इक्वल और कांस्टेंट, और बाकी आ जाएगा लॉग आई वैल्यू। ये यहाँ कांस्टेंट लें, एल इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, के लॉग आई, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब मैं समझा चुका हूँ आपको, चूंकि हमने मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस निकालना है, ऐसे ही है ना, तो डिफरेंस निकालने के लिए मुझे बताएं क्या करना होगा हमें, लाउडनेस का एल माइनस एल नॉट, इसके अकॉर्डिंग बताएं किस इक्वेशन में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तब भी एल माइनस एल नॉट मिलेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करेंगे किस में से, 2 फ्रॉम, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, एक को 2 में से माइनस करें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से माइनस करें, राइट साइड को राइट साइड में से, तो यहां आएगा एल माइनस एल नॉट विच इज इक्वल टू, यहां क्या बनेगा, के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। बात क्लियर। अब इनमें कॉमन क्या चीज है, के कॉमन है, तो के को आप बाहर ले लें, के कॉमन आ गया, बाकी क्या मिला, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। अब मैथ का आप असूल पढ़ चुके हैं, मैथ का रूल क्या होता है कि अगर लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा हुआ हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए ओवर बी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको हम वैसे लिख रहे हैं, के लॉग आई अपॉन आई नॉट, बाकी वैसे आ जाएगा एल माइनस एल नॉट।
हाँ जी क्लियर। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया किस चीज का, दिस इज अ जनरल फार्मूला दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड इंटेंसिटी लेवल एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये जो एल माइनस एल नॉट है ना, दिस इज नोन एज साउंड इंटेंसिटी लेवल। क्या कहते हैं इसको, साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये आ गया जी साउंड इंटेंसिटी लेवल एल माइनस एल नॉट। सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें आई की, तो ये हमारे पास क्या है, साउंड इंटेंसिटी इज अ मिनिमम और मैक्सिमम, तो हम इसको इंटेंसिटी कहेंगे। तो ये एक जनरल फार्मूला हम बना चुके हैं किसके दरमियान, बिटवीन साउंड इंटेंसिटी एंड साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। अब हमने इस जनरल फार्मूले में दो तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले नंबर पे तो ये देखना है कि ये जो के की वैल्यू है ये किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहले नंबर पर हमने ये देखना है, ये जो हमारे पास के है, के जो है ना, के डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक यूनिट्स ऑफ आई एंड आई नॉट, मतलब इंटेंसिटी, इसको हम क्या कहेंगे, ये वाली इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा एक और बात सुन ले, ये जो हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी है ना, इस मिनिमम इंटेंसिटी को रेफरेंस का भी नाम दिया हुआ होगा आपकी बुक में। क्या नाम दिया गया होगा, रेफरेंस का नाम दिया होगा इस मिनिमम इंटेंसिटी को आपकी बुक में, ठीक है, क्लियर होगी बात। जबकि इसको नाम दिया गया होगा अननोन इंटेंसिटी का, क्या नाम होगा, अननोन इंटेंसिटी। रेफरेंस जो है, जिसको आप रेफरेंस दे रहे होते हैं वो आपके लिए नोन होती है। क्या होती है जी, नॉन होती है। तो आप इसको मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम भी कह सकते हैं, या रेफरेंस और नॉन इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, जो आपके लिए नॉन है 10^-12 है। और ये एक आपके लिए तो है, मतलब कि ह्यूमन हेयर के लिए हमने बता दी कि 1 W/m² है, बट हम क्या करना चाह रहे हैं, तमाम चीज़ों के लिए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो हमें एक चीज़ की तो पता लग सकती है, बट ओवरऑल सब तमाम उनकी इंटेंसिटी मालूम करने के लिए हमें इसको सिंपली आई और एल से रिप्रेजेंट कर देना है, इंटेंसिटी और लाउडनेस मालूम करने के लिए। तो पहली चीज कि के डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ अननोन इंटेंसिटी एंड नॉन इंटेंसिटी, ठीक हो गया। दूसरी चीज, इट डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल एल माइनस एल नॉट। ये दो बातें याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि ऑन व्हाट फैक्टर के डिपेंड, या अगर साउंड इंटेंसिटी लेवल में जो कांस्टेंट है ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, आप कहेंगे आई और आई नॉट के यूनिट्स पर भी और इस एल माइनस एल नॉट के यूनिट पर भी। अब सवाल ये है कि इनका यूनिट क्या है, इनका यूनिट क्या है, तो बताएं कि क्या यूनिट है इसका, बता चुका हूँ, इनका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वेयर, या दूसरा यूनिट क्या है, किलोग्राम पर सेकंड क्यूब, या तीसरा यूनिट हमने क्या पढ़ा है, जॉल पर मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। इन तीनों में से किसी पर डिपेंड करेगा, यानी ये डिपेंड करेगा कि हम इन तीन यूनिट में से किस में अपनी इंटेंसिटीज मेजर कर रहे हैं, उसी के मुताबिक के का जवाब आएगा। सिमिलरली यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसके दो यूनिट होते हैं, एक होता है बेल और एक होता है डेसीबल, डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या जी, बेल और डेसीबल। बेल या डेसीबल किस नाम से है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एक साइंसदान क्या नाम है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के नाम की मुनासबत से इसको क्या कहा गया कि किस पर डिपेंड करेगा, बेल और डेसिबल इसके यूनिट्स हैं। तो अब अगर हम इसका यूनिट लें बेल में तो के की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर हम साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट लें डेसिबल में तो के की वैल्यू कुछ और आएगी। तो पता लगा कि के की वैल्यू हम 5 ले सकते हैं, कैसे, क्योंकि 5 मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। वाट पर मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी ले लेंगे तो के की वैल्यू कुछ और आएगी,
इसमें ले लेंगे इस यूनिट में, फिर कुछ और आएगी, इसमें लेंगे कुछ और आएगी, इन दोनों में लेंगे कुछ और आएगी। एक और पॉइंट, साइड पर आप देखें टेबल बनाई गई है, टेबल नजर आ रही है आपको, टेबल में देखें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पैरामीटर दिए गए हैं और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। और इसमें देखें ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, आगे उन्होंने साउंड इंटेंसिटी लिखी हुई है, अगले कॉलम में उन्होंने साउंड इंटेंसिटी लेवल लिखा हुआ है, नजर आ रहे हैं। आखिर में देखें सबसे एंड पर, तो वहां लिखा गया होगा फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड लिखा हुआ है, उसकी इंटेंसिटी 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर लिखी हुई है। और आगे देखें उसका लेवल कितना लिखा हुआ है, 0 डेसिबल। तो यहाँ से एक प्रूफ हो गया कि वाकई जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जाएंगी। तो इंटेंसिटी की वैल्यू अगर इस यूनिट में ले रहे हैं चेंज होगी, और ये इस डेसिबल स्केल में ले रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगी। तो जो ही यूनिट चेंज होगा, तो अब हम इस वैल्यू चेंज होगी, तो वैल्यू चेंज होने से जब हम के निकालेंगे वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये के की डिपेंडेंसी थी, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट था कि सिर्फ बुक में इतना लिखा हुआ है कि इस पर डिपेंड करती है, कैसे डिपेंडेंसी है वो बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने अब इन इस ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन से अब हमने पहले नंबर पे के की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है जी, जनरल इक्वेशन से के की वैल्यू निकालनी है। अगर अब जनरल इक्वेशन से आप के की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेल को डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन बेल, वन बेल, हाँ जी वन बेल। साउंड इंटेंसिटी लेवल कब वन बेल होगा, L माइनस एल नॉट, ये एम पॉइंट है। K की वैल्यू कैसे निकाली गई है, बुक में नहीं निकाल के दिखाया गया, निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ। वन बेल की डेफिनेशन है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल विल बी कंसीडर्ड एज वन बेल, कब, इफ अननोन इंटेंसिटी इज इक्वल टू 10 टाइम ग्रेटर देन नोन आर रेफरेंस इंटेंसिटी। क्या है जी बेल की डेफिनेशन, कि साउंड इंटेंसिटी लेवल एल नॉट विल बी नोन एज वन बेल प्रोवाइडेड दैट इफ अननोन इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन, इज 10 टाइम ग्रेटर देन नोन इंटेंसिटी। इसी कंसेप्ट को अब हम इस जनरल इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन क्या है जी, एल माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट वन बेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन बेल, कब, बाकी सारा वैसे का वैसे लिखें, के लॉग, बाकी वैसे आ गया, उसके बाद क्या कहा उसने, और आई नॉट भी वैसे रहने दें, दो चीजें कही हैं, इसको मैं और कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसने कहा कि एल माइनस एल नॉट वन बेल हो जाएगा, कब, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये वन बेल की डेफिनेशन है। अगर पूछा जाए कि डिफाइन वन बेल, तो आप क्या कहेंगे कि साउंड इंटेंसिटी लेवल विल बी वन बेल इफ अननोन इंटेंसिटी इज 10 इक्वल टू 10 टाइम ऑफ नोन इंटेंसिटी। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू 10 आई नॉट हो जाए तो ये वन बेल बन जाएगा। मैंने जस्ट इन दोनों की जगह रिप्लेसमेंट किया, बाकी सारा वैसे लिखा है। अब रिप्लेसमेंट करने के बाद अब यहां से रिजल्ट निकालते हैं, क्या रिजल्ट निकलेगा चेक करें इसको जरा। वन बेल इज इक्वल टू के, अब ये आई नॉट से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या मिल गया, लॉग 10। अब लॉग 10 किसके बराबर होता है, वन के। तो वन बेल इज इक्वल टू के इंटू वन, तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वन। अब ये बुक में देखे लिखा गया होगा, उसमें सिर्फ उसने इतना कहा है कि अगर अननोन इंटेंसिटी नॉन इंटेंसिटी से 10 गुना बढ़ जाए तब क्या होगा, तब उसकी जो लेवल होगा वो वन बेल बन जाएगा, और उससे जो जो हमें के की वैल्यू मिलेगी वो वन मिलेगी। अब इसी के की वैल्यू को पुट करके अब अगला काम है जी, इस के की वैल्यू को पुट करने हम हमने इसी क्वेश्चन में क्या करने है? हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल को बेल में और डेसीबल स्केल में निकालना है। लास्ट काम क्या है, के की वैल्यू को इसी जनरल इक्वेशन में पुट करके। अभी यहां देखें ये इक्वेशन जनरल है ना, ये बेल स्केल में है ना ही डेसिबल स्केल में है। अब इस जनरल इक्वेशन को मैं के की वैल्यू पुट करके बेल स्केल में और डेसिबल स्केल में निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज बेल स्केल, बेल स्केल में साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालेंगे, फिर उसके बाद डेसिबल स्केल में,
डेसीबल स्केल में हम साउंड टेंसिटी लेवल निकालेंगे, ये हमारा आखिरी पोर्शन है, ये आखिरी दो इक्वेशन है। अब कैसे निकालेंगे, दोबारा वही क्वेश्चन लें, वो इक्वेशन है L माइनस एल नॉट विच इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है 1 बेल, उसके बाद बाकी क्या आ जाएगा log I अपॉन I नॉट। ये इक्वेशन बन गई साउंड टेंसिटी लेवल इन बेल स्केल I अपॉन I नॉट, और इसके आगे यहां आप क्या लिख दें बेल में लिखा हुआ है ना बुक में, तो ये इक्वेशन बना ली हमने साउंड टेंसिटी लेवल की इन बेल स्केल। अब वही साउंड टेंसिटी लेवल की इक्वेशन हमने किसमें मालूम करनी है, इन डेसिबल स्केल। तो डेसिबल स्केल में क्या करना होगा, एल माइनस एल नॉट विच इज इक्वल टू, अब के के की वैल्यू तो वैसे 1 है, के की वैल्यू तो के जो 1 बेल है ऊपर हमने देखा ये। अच्छा एक और चीज़ है, अब हम डिफाइन कर रहे हैं 1 बेल को कि 1 बेल क्या होता है। पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं, आपको पता है कि 1 केजी किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 100, बल्कि 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, यानी एक क्वांटिटी के दो यूनिट्स होते हैं, बड़ा और छोटा यूनिट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो हमारे पास इसके साउंड टेंसिटी लेवल के दो यूनिट दिए गए हैं, बेल और डेसिबल। बेल है साउंड टेंसिटी लेवल का बड़ा यूनिट और डेसिबल उसका छोटा यूनिट है। अगर हम बेल की बात करें तो इसमें हम ये कहेंगे कि एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं, कितने होते हैं 10 डेसिबल। जिस तरह ये बड़े और छोटे स्केल का यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन थी, सिमिलरली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने साउंड की इंटेंसिटी लेवल की भी एक कन्वर्जन हमें बताई, वो क्या कि 1 बेल जो बड़ा है वो 10 डेसिबल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर 1 बेल की जगह आप पुट कर दें क्या चीज 10 dB, बाकी सारा वैसे लिख दें, बाकी सारा क्या आ जाएगा लॉग I अपॉन I नॉट, ठीक हो गया। तो ये अब आ गया हमारे पास 10 log I अपॉन I नॉट, ये dB के अंदर। तो ये लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास L माइनस L नॉट, दिस इज द इक्वेशन फॉर साउंड डेंसिटी लेवल इन डेसिबल स्केल। तो अब अगर आपको MCQ दी जाए कि बेल स्केल में साउंड डेंसिटी लेवल, तो ये इक्वेशन टिक करेंगे, डेसिबल स्केल में ये, और अगर जनरल पूछी जाए तब ये होगी। तो ये तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो जनरल और K की वैल्यू वहाँ होगी, कुछ ना कुछ होगी, और डेसिबल स्केल बेल स्केल में K की वैल्यू नहीं होगी, वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, और डेसिबल स्केल में भी 1 पुट करके हमने वहाँ से जो कन्वर्जन थी वो यूज की और ये कैलकुलेट कर ली। यहाँ से लास्ट में एक डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज डेसिबल स्केल, व्हाट इज डेसिबल स्केल, अ स्केल विच इज यूज टू मेजर आर कैलकुलेट द साउंड इंटेंसिटी लेवल इज नोन एज डेसिबल स्केल, या अ स्केल विच इज यूज टू इंडिकेट साउंड इंटेंसिटी लेवल इज नोन एज, ये इसको हम स्केल कह सकते हैं, डेसिबल स्केल या साउंड स्केल या साउंड इंटेंसिटी लेवल स्केल भी कह सकते हैं। तो ये लास्ट इसकी डेफिनेशन थी। तो अब इसमें किसी किस्म की यहाँ लास्ट वाली कन्वर्जन में कोई इशू है तो पूछ लें।